नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर देखा जाए तो यह संसार बड़ा ही रहस्यमय शक्तियों से भरा पड़ा है। अप्सराएं इन्हीं शक्तियों में से एक हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तब इन अप्सराओं की उत्पत्ति हुई थी और सभी निधियों के विभाजन के अंतर्गत इन्हें देवराज इंद्र को सौंपा गया। इनका रूप अत्यंत ही मादक होता है, जिसे देख कर अच्छे अच्छे ज्ञानी भी मोहित हो जाएँ और उसके प्रेम में पड़ जाएं। यह अप्सराएं देवलोक में तरह तरह के विलास और नृत्य कर उनका मनोरंजन करती हैं तथा समय आने पर इनके द्वारा प्रदत्त कार्य का भी संपादन उचित रूप से किया जाता है। अब सवाल पर आते हैं कि इनके साधना के दुष्परिणाम हो सकते हैं क्या? तो पहले हम इनके स्वभाव के बारे में जान लें। यह अप्सराएं स्वभाव से बहुत ही मृदुल होती हैं तथा अपने साधक को अपना सर्वस्व तक दे सकती हैं। ये प्रेम की भूखी होती हैं, बशर्ते अगर हम इन्हें उस परम शुद्ध प्रेम को इसे दे सकें। कोई भी साधना अगर उचित रूप से की जाए तो वो सफल अवश्य होती है। ये भ्रांतियाँ हैं कि इनकी साधना से कोई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ, अगर हम साधना में बहुत दुष्कृत गलतियाँ करते हैं तो हमें दंड का भागी भी बनना पड़ सकता है। ये अप्सराएं बहुत ही उच्च गुणों वाली होती हैं तथा साधक के मन को भी जान लेती हैं, इसलिए छल करने की तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप सोचें अप्सरा के आगे बाहर से कुछ और दिखाएं और अंदर हम अपने मन में उसके लिए मैल भरे रखें, गंदगी भरे रखें। आपके तुरंत मलिन मन को पहचान लेंगी। अगर आप इनकी साधना को बड़े ही प्रेम और समर्पण के साथ सिद्ध करते हैं तो यह आपकी इस जीवन को प्रेम और प्रसन्नता से भर देंगी और आपका जीवन भी सफल कर देगी। जैसे प्रमुख बिंदुओं को हम ध्यान रखकर साधना करें तो हम इसके दुष्परिणामों से बच सकते हैं। जैसे पहला स्थान तो गुरु का ही होता है। पहली बात, किसी भी तरह की साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान गुरु का होता है, क्योंकि बिना गुरु के साधना से साधना में विघ्न आने का खतरा रहता है। साधना की सही विधि भी गुरु के पास ही होती है, इसलिए अगर हम बिना गुरु के साधना को प्रारंभ करते हैं तो इसमें होने वाली त्रुटि का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। दूसरा आता है कि मानसिक संयम। अप्सराएं बहुत मृदुल परंतु बुद्धिमान होती हैं। इनके साधना को हम अपने प्रेम भाव से करना चाहिए। इनकी साधना को करते समय हमें अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। जरा सी भी गलती विचार हमारी साधना को खंडित कर सकती हैं। तीसरा आता है सात्विक जीवन शैली। इस प्रकार की साधना हमें बहुत ही सात्विक जीवनचर्या को बढ़ाती है। हमें बहुत ही सात्विक जीवनचर्या को जीना पड़ता है। मांस मदिरा इत्यादि व्यसनों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि ये शक्तियाँ पूर्ण सात्विक होती हैं। शक्तियाँ सात्विक ना होती तो क्या यह देवताओं को ना मिलती, दानवों को ना मिलती? ये देवताओं को ही क्यों मिली? देवताओं के अंदर सात्विक शक्तियों की प्रधानता होती है, वह सात्विक होते हैं, जिससे कि अप्सराएं ताओं पर मोहित रहती हैं। चौथा है पूर्ण समर्पण भाव एवं प्रेम। यह अप्सराएं प्रेम से पूरित और मृदुल स्वभाव की होती हैं, इसलिए इनकी साधना को हम पूर्ण प्रेम एवं विश्वास से करना चाहिए। कोई साधना बिना विश्वास और पूर्ण समर्पण के सिद्ध नहीं होती है। तरह साधना ही क्या, कोई भी साधना करनी हो तो यह जान लें कि अगर हम किसी साधना को सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से करते हैं तो वह अवश्य ही सिद्ध होती है। मन में डाउट रखते हैं कि सिद्ध होगी नहीं होगी और बीच में ही साधना को हम छोड़ देते हैं तो वह साधना सफल नहीं होती। इसलिए अप्सरा साधना करने वाले साधकों को जो हमने ऊपर बताए हैं, इन बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। और हम फिर कहते हैं कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी साधना YouTube आदि किसी भी प्लेटफॉर्म से देखकर पढ़कर नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इन शक्तियों को सिद्ध कर भी लिया तो बिना गुरु के आप इन शक्तियों के गुलाम बन सकते हैं, जिससे वे आपको जीवन भर नचाएंगी। कोई भी साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।